हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई बताना चाहता है वो बेवफा नहीं है। तो क्या है इस पर्सन के दिल की हालत कि जिस तरह से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी सच्चाई आपके सामने रखनी है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 6 कार्ड लेंगे टैरो में से और 7 कार्ड लेंगे ओरेकल में से। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हो गए 6। अब ओरेकल में से देखते हैं कौन से 7 कार्ड मिलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द फूल का। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है, कोई बताना चाहता है वो बेवफा नहीं है, तो जैसे यहाँ पे फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है, फूल मतलब न्यू बिगिनिंग। तो ये पर्सन हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा केयरलेस थे। जैसे यहाँ पे ये खुशी से आगे बढ़ने के लेके कुछ सोच रही है, डे ड्रीमिंग चल रहा है। ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये जो आंखें हैं वो ऊपर आसमान की तरफ कुछ देख रही है। इसका ध्यान ही नहीं है कि नीचे की तरफ रास्ता ही नहीं है, मतलब गिरेगी तो भी नीचे सिर्फ पानी है। और जहाँ पे शायद उसको ये महसूस भी नहीं हो रहा कि आगे रास्ता नहीं है, ये अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा केयरलेस एनर्जी में ये दिखाई दे रही है। वैसे ही हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से उन्हें आज ये महसूस हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ये उनकी नासमझी थी, उनकी बेख्याली का आलम था, और हो सकता है कुछ ऐसे डे ड्रीमिंग के स्टेट में भी वो थे जिसकी वजह से इस तरह के कुछ फैसले उनकी तरफ से हो गए। और शायद उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो फैसले अब राइट नाउ आप दोनों के इस रिश्ते के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहे हैं। जैसे यहाँ से 0 नंबर है, मतलब एक गोल होता है, तो वैसे ही वापस ये पर्सन आपके तरफ घूम के आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, वैसे उसी तरह से जहाँ से शुरू हुआ था अब राइट नाउ ये उसी पॉइंट पे आके यही सोच रहे हैं कि उन्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी है। और ये क्यों करनी है, क्योंकि यही शायद पहले भी उन्होंने सोचा था लेकिन ड्यू टू सम मिस्टेक ये नहीं पॉसिबल हो पाया। तो शायद आपको लगता होगा कि ये पर्सन बेवफा है, मतलब इनकी लाइफ में कोई और था या कोई और है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन, पहला कार्ड तो यही बताना है कि ऐसा कोई भी पर्सन शायद उनकी ज़िंदगी में नहीं था और ना ही है। ये सिर्फ उनकी बेवकूफ़ी थी या फिर स्टूपिडिटी थी या फिर केयरलेसनेस था जिसकी वजह से इस तरह के उन्होंने शायद कुछ फैसले लिए। फिर है 3 ऑफ सॉट्स, एयर्स हैं, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे 3 सॉट्स है, ये हार्ट को पेन महसूस हो रहा है, वैसे ही उनके जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमें महसूस हो रहा है कि ये उनकी बेवकूफ़ी थी, वैसे ही हो सकता है किसी और के बारे में इन्होंने सोचा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन भी इनके लिए कुछ इन्वॉल्व था या फिर फील कर रहा था, वन साइडेड लव भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि किसी ने क्लियरली आंसर बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इस तरह के कोई जज्बात नहीं है, तब जाके कहीं इस पर्सन को एहसास हुआ कि जब कोई दिल से किसी के जज्बातों को नहीं समझ पाता तो किस तरह की हालत हो जाती है। और यही हालत इस पर्सन की हो रही है। जैसे यहाँ पे एक बेड पे जर्नल लिखा पड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये पर्सन डेली बेसिस पे आपको कुछ कहते थे या फिर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, लेकिन जब उन्होंने किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो शायद आप दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन बंद हो गया, वो बातचीत बंद हो गई। और फिर भी जब आप ये दोबारा उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जब इन्हें एहसास हो रहा है आपकी कमी का, तो शायद ये कुछ
कुछ ना कुछ आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो शायद अपनी डायरी में या फिर छोटे से नोटबुक में लिखते रहते हैं, और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि भले ही आप उनकी माफी एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन एटलीस्ट उन्हें आपके सामने ये तो क्लियर करना है कि वो बेवफा नहीं है। बेवफा इन द सेंस मतलब किसी के बारे में इन्होंने शायद सोचा इन द सेंस कि शायद ये पर्सन मेरे लिए सही हो सकता है, या इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। लेकिन उनके साथ सिर्फ इनकी ये सोच ही थी, जैसे यहाँ पे ये खुली आंखों से सपना देख रही है, वैसे ही इस पर्सन ने शायद किसी और के बारे में कुछ सपना देखा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व थे, और यही है हमारा आज का टॉपिक। किसी के बारे में सोचना, ख्यालों में खोए रहना, ये अलग बात है, और फिजिकली या फिर इमोशनल लेवल पे उस पर्सन के साथ वक्त बिताना, एक कनेक्शन में रहना, ये अलग बात है। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन कभी भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहे, और इसीलिए शायद उन्हें लग रहा है कि वो बेवफा नहीं है। एटलीस्ट ये बात तो उन्हें आपको बता देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो वो अपने दिल को जो जो बातें चुभी हुई है, या उसमें एक बात ये भी काउंट करते हैं कि उन्हें आपका ये वहम दूर करना पड़ेगा, या फिर आपने उनके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी जो है कि शायद ये किसी और के प्यार में है, ये उन्हें बताना जरूरी लग रहा है कि नहीं, मैंने सोचा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हम दोनों के बीच। और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। इस पर्सन ने काफी वक्त से खुद को आइसोलेट कर लिया है, यानी कि आपको शायद लगता होगा कि ये काफी ज्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं, हो सकता है व्हाट्सएप पे वगैरह भी आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट टाइम पास के लिए इन्होंने कुछ मूव ऑन होने के बारे में सोचा था, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पा रहा। जैसे यहाँ पे इर्द गिर्द तो काफी सारे हैं, ये मछली है, यहाँ पे भी एक कोई पर्सन है, ये कैट है, लेकिन इस पर्सन का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे ही यहाँ इन सब जगहों पे होते हुए भी ये अकेलेपन को काफी ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि इनका जो हाथ में ये कप है वो रिप्रेजेंट करता है इनके जज्बातों को, और ये जो दूरबीन दिखाई दे रहे हैं उससे शायद उन्होंने आपकी तरफ हमेशा एक नजरे रखने की कोशिश की, मतलब थोड़ा सा शायद इन्होंने स्पाई किया हुआ हो सकता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और जब उन्होंने महसूस किया कि शायद इनकी वजह से आप भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, या इन्हें महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इनकी नासमझी का असर आपकी भी जिंदगी पे पड़ रहा है, मतलब शायद आप भी थोड़ा सा आइसोलेटेड हैं, आप भी शायद इतना घुलमिल नहीं रहे हैं, तो शायद उन्हें ये महसूस हुआ कि मुझे एटलीस्ट बताना तो चाहिए कि मैं बेवफा नहीं हूँ। फिर है फायर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि है, धनु राशि है और सिंह राशि है। तो जैसे यहाँ पे काफी सब डिस्कशन चल रहा है, वैसे ही हो सकता है अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ डिस्कस की कि मुझे नहीं पता वो मेरी माफी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताना है कि जो उसके दिल में मेरे लिए गलत फहमी है उसको तो दूर करूं। तो शायद इन सब फ्रेंड सर्कल में भी किसी ने सजेशन दिया कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, मतलब किसी के बारे में अगर कुछ गलत फहमी है तो उसी गलत फहमी को लेके हम जिंदगी भर उस पर्सन को लेके वैसे ही सोचते रहते कि हाँ ये तो वैसा ही है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कभी ये इस तरह से करेगा या इस तरह से करेगी। और यही गलत फहमी जब वक्त रहते कोई क्लियर नहीं कर पाता तो वही सोच कंटिन्यू रह जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होता रहता है, मतलब भले भी कोई शादी ब्याह कर ले, किसी और को अपना सोलमेट बना ले, लेकिन डीप डाउन जब हार्ट में कुछ जज्बात उमड़ आते हैं, कुछ पास्ट की मेमोरीज हम रिवील करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पेन भी एक अटैचमेंट की तरह जुड़ जाता है कि मेरे साथ किसी ने तो ऐसा किया था कि जो मेरे इतने ऑनेस्ट होने के बावजूद भी इस तरह से बेवफाई की, उस कंडीशन में वो था और मैंने ही उसको इस तरह नहीं समझ के लिया, मतलब पता नहीं मैंने उसको दिल से क्यों चाहा। तो इस तरह की एनर्जी शायद इस पर्सन ने फील की है या कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास तो है कि आपके दिल में उनके लिए जो जज्बात थे
मतलब राइट नाउ है कि नहीं ये उन्हें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से भी आपने अपने जज्बात उनके सामने रखे थे और शायद इस पर्सन ने उन जज्बातों को समझ के नहीं लिया था, और जब इन रिटर्न वो कर्मा उनके साथ हुआ है कि उनके जज्बात किसी ने नहीं समझ के लिए, यानी कि क्लियरली उनको बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है उस गलती का कि एटलीस्ट मैं बोल तो दूं कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, और शायद इसी वजह से फ्रेंड सर्कल से भी वो कुछ हेल्प ले रहे हैं या फिर ले चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद लग रहा है कि वो बातें वो सच उन्हें आपके सामने रखना चाहिए। फिर है थ्री ऑफ पेंटेकल्स, दो बार थ्री आया है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे सब लोग एक फोकस करके कुछ प्लान कर रहे हैं, ये जो विश स्टार बना हुआ है वो विश को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हर कोई जिंदगी में कुछ अपनी विश का इंतजार तो करता ही रहता है कि कब न जाने कब मेरी ये विश पूरी होगी इस तरह का। तो शायद कहीं ना कहीं शायद उनके फ्रेंड सर्कल में अभी भी किसी ने उनको होप दी है कि क्या पता आज भी उसकी विश हो कि तुझे वापस से पाना है अपने जिंदगी में, क्या पता उसे आज भी तेरे प्यार की चाहत हो, तो इस तरह की भी शायद किसी ने इनको होप दी है कि तू चाहे तो सब कुछ सही भी कर सकता है, लेकिन अगर तू चाहे तो। और शायद आज भी इस पर्सन को एहसास है कि मे बी You still are having some feelings for him or her, तो उन्हें एहसास ये शायद दिल से महसूस हो रहा है कि क्या पता शायद वो जज्बात आज भी आपके दिल में उनके लिए है, और अगर है तो इस बार वो पर्सन आपको दोबारा नहीं खोना चाहते, ना ही डिसअपॉइंटेड करना चाहते, और शायद इसीलिए वो थोड़ी सी हिम्मत करके आपको बताना चाहते कि वो बेवफा नहीं है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। एक पूरी तरह से क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, अब वो रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सोच रहे हैं कि क्या होगा या क्या हो सकता है, उन्हें ये क्लैरिटी महसूस हो रही है कि मुझे बस अपना सच आपके सामने रखना है, फिर जो चाहे हो। ये अपने दिल के ऊपर जो बोझ है, जो बर्डन है, जो तकलीफ है उस दिल को होने वाली, उस तकलीफ को, उस दर्द को कम करना चाहते हैं, यानी कि एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं जिसमें वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारी गलतफहमियां, वो सब पेन ये दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं कि उनकी तरफ से क्या हुआ था। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यहाँ पे भी है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। स्लीपलेस नाइट्स है, वो रात को ना तो चैन की नींद ले पा रहे, ना ही उनको सुकून मिल रहा है, हर रात वो इन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन बातों की वजह से उनको तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं उन्हें अब एहसास हो रहा है कि जब मैंने किसी के साथ ऐसा किया था, मतलब किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था या फिर उसको मना किया था, सीधे सीधे मुंह पे बोल दिया था कि नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तब उसको किस तरह से दर्द हुआ होगा, किस तरह की तकलीफ हुई होगी, या फिर आपको उस वक्त क्या दर्द महसूस हुआ होगा, ये अब राइट नाउ वो फील कर रहे हैं, और उसी पेन को महसूस करते हुए अब उन्हें लग रहा है कि आपको बताना चाहिए कि वो बेवफा नहीं है। सिद्धांत, तो उन्हें शायद लगता है कि उन्होंने जिंदगी में कुछ रूल्स या फिर सिद्धांत फॉलो किए ही नहीं है, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक चलने वाले इंसान हो सकते हैं, जो मन में आया वो किया, जैसे सिद्धांत तो के ऊपर जो बेस्ट पर्सन होते हैं उनके जो डिसिप्लिन रूल्स होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ये पर्सन ऐसे ही केयरलेस एनर्जी में था तो वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ने में ही काफ़ी ज़्यादा शायद इंटरेस्ट रखते थे, और इसी वजह से उन्हें ये शायद सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि अपना जो मेन लाइफ का फंडा है, मतलब किस तरह की उनकी सोच थी, क्या बेख्याली उनके दिलो दिमाग पे छाई रहती थी, किस तरह की इमैच्योर एनर्जी थी, ये सब वो आपको शायद बताना चाहते आवश्यकता। राइट ना उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ये बातें आपको क्लियरली बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी समझ के लेना ज़रूरी है कि उस वक्त क्या हुआ था, और इनके दिल को तकलीफ से बाहर आने के लिए भी ये कम्युनिकेशन की ज़रूरत महसूस हो रही है। ध्यान धारणा, कुछ लोग शायद अगर स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, यानी कि ध्यान धारणा कुछ 5-10 मिनट के लिए सही, लेकिन ऐसे वक्त में जब वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं तो मे बी उन्हें ये लिंक वापस से आपसे दोबारा कनेक्ट कर रही है यूनिवर्स, और जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें ज़रूरी है आपके साथ कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट कार्ड है मार्गदर्शन,
जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि शायद उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल से ये बात डिस्कस की है कि काफी दिनों से मुझे ये बात सता रही है जो मेरे दिल के ऊपर बोझ की तरह बन के बैठी हुई है, तो मैं क्या करूँ या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे ही किसी फ्रेंड सर्कल में यानी कि इसमें से ही किसी मार्गदर्शक ने उन्हें कुछ बता दिया है कि जो होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट तू अपनी बात तो रख दे उसके सामने। तो इस तरह की मार्गदर्शन ले चुके हैं ये और अब उन्हीं बातों के ऊपर ये सोच के कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अधिकार, उन्हें पता है कि राइट नाउ शायद वो बोल नहीं सकते, उस अधिकार से आपसे बात भी नहीं कर सकते जैसे पहले शायद करते थे, मतलब फोन लिया, कॉल किया और आपने बात की, इस अधिकार को शायद वो खो चुके हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि एटलीस्ट एक बार आपको दोबारा एहसास तो दिलाए कि आज भी तुम मुझे मुझ पे चाहे तो अधिकार जता सकती हो या जता सकते हो। राइट नाउ मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोचती हूँ ये भी तो तुम्हें पता चले। फिर है यकीन, तो जैसे यकीन का कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब उन्हें शायद लग रहा है कि आज जो बातें वो आपके सामने रखने की कोशिश करना चाहते हैं शायद उन बातों के ऊपर आप यकीन नहीं करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है वो आपको बताना चाहते हैं वो बेवफा नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो क्लैरिफाई जब करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उन बातों के ऊपर आप यकीन ना करें कि आज भी ये सच्चे दिल से सोचते हैं कि हाँ वो उनकी गलती थी या फिर सिर्फ वन साइडेड लव था। तो इस तरह की कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। और फाइनल कार्ड है आपत्ति, तो आपत्ति का रिवर्स अगर हम मीनिंग ले ले तो शायद ये मुसीबत में फंसे हुए थे, अगर इनके खुद की हालत ऐसी थी कि ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर डिस्टर्ब थे तो शायद उनके इर्द गिर्द भी माहौल काफी ज्यादा एक ऐसा था कि जैसे हर्मिट मोड में होता है, शायद इन्होंने नो कॉन्टेक्ट जोन में रखा था, खुद के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे और अब जब उस फेज से ये बाहर निकल के आ रहे हैं तो उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ एटलीस्ट जो है वो तो मुझे सामने वाले पर्सन को बता देना चाहिए। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो रहा है कि जाने अनजाने उनकी वजह से आपके दिल को तकलीफ पहुंची है और उन्हें ये भी पता है कि आपकी तरफ से जो उनके दिल में था उनके लिए था, जो जज्बात थे वो प्यार था और इसीलिए उन्हें ये शायद आपको बताना महसूस हो रहा है कि मैं बेवफा नहीं था। मतलब वन साइडेड प्यार इन्होंने शायद सोचा उस पर्सन के बारे में लेकिन उसके साथ इन्वॉल्वमेंट इनकी बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए उन्हें ये लग रहा है कि आपको क्लैरिफाई करें कि वो बेवफा नहीं है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।